इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ वी कैन इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो फाइल इन आवर प्रेजेंटेशन। तो आइए एक एक स्टेप हम ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ओपन ऑफिस के एप्लीकेशन को टास्क बार में पिन कर रखा है। इस पर डबल क्लिक करके डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन को हम ओपन करेंगे। ये ओपन ऑफिस का लेआउट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन देखें, प्रेजेंटेशन पे हमें जाना है। इसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। एम्प्टी प्रेजेंटेशन मुझे ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो बैकग्राउंड भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सेट करना, ओरिजिनल लेना है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को के साथ चलना है, तो आप इसे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद ये आपका स्लाइड लेआउट दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं एक स्लाइड का, यहाँ जो भी आपको लेआउट्स मिलते हैं, डिफरेंट लेआउट्स मिलते हैं स्लाइड के, यहाँ पर आप सिंपली ये इस लेआउट में आपने देखा होगा कि ये जो फोर्थ आइकन ये टेबल के लिए है। इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ये चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और ये ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स के लिए होता है। तो सिंपल सा है। बाय शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप किसी इमेज और वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ ऑप्शन से नहीं जा सकते या नहीं जाना चाह रहे तो इंसर्ट मेन्यू में भी आपको मूवी एंड साउंड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से भी इस सेम चीज़ है, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो आप इससे भी जाकर इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो फाइल को, एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ से करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा, ये आपसे पूछेगा कौन सी वीडियो फाइल है या कौन सी ऑडियो फाइल है जिसे आप अपने सिस्टम में इंसर्ट करना, अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक वीडियो फाइल ले लेती हूँ। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, थोड़ा कलरफुल दिख रहा है आपको दिखाना है। तो यहाँ देखिए ये एरर आ गया, द फॉर्मेट ऑफ द सेलेक्टेड फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड। इट मीन्स कि जो मैं वीडियो फाइल इंसर्ट करना चाह रही थी वो एरर आ रहा है, कहीं किसी फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। तो इसका एक सॉल्यूशन है, ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस हर एक फाइल फॉर्मेट को नहीं अलाउ करता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, छोटी सी फाइल है, इसे हम क्या करते हैं, फ्री अवेलेबल होता है। इसे डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप ऑडियो एंड वीडियो फाइल को अपने प्रेजेंटेशन में रन करवा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये जैसे अभी 2 से 4 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही डाउनलोड होता है मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको बताती हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए। ओपन फाइल, एंड देन यस, यहाँ आपको करना है, आपको ऑप्शंस को ज़्यादा रीड नहीं करना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, यहाँ नेक्स्ट कर दें। एंड देन यहाँ एक एक्टिव चेक बॉक्स दिख रहा है जो अनटिक है, तो इसे भी आप टिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और इस तरीके से डन। यहाँ पे 2 चेकबॉक्स आ गया जो अनटिक है, तो आप दोनों को भी टिक कर दें, एंड देन फिनिश। इस तरीके से हमने अपने सिस्टम में एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब आइए प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं और सेम ऑडियो वीडियो फाइल को इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या अब भी यही सेम एरर आ रहा है। तो यही मेरा फाइल था, वीडियो फाइल ओपन किया, और ये देखिए आपका विद इन अ सेकेंड आपका वीडियो फाइल आपके प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो चुका है। ये ग्रीन डॉट्स जो आप देख रहे होंगे ये फिल हैंडलर कहलाता है। यहाँ से आप इसके वीडियो के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइए स्लाइड शो में भी इस चीज़ को हम देखते हैं। स्लाइड शो में भी प्रॉपर रन हो रहा है, स्किप से इसे एग्जिट कर दें। अगर आप प्रेजेंटेशन में आप यहाँ से भी आपको मिल जाएगा टूल बार पे, ड्राइंग टूल बार के जस्ट एबव में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी कमांड है प्ले एंड पॉज का। तो यहाँ से भी वीडियो को आप प्ले करके और पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे एक सिंपल छोटी सी फाइल को इंस्टॉल करने के बाद आपका प्रेजेंटेशन रेडी है ऑडियो एंड वीडियो फाइल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।